ये वाली सेल मैंने एग सेल ली है ग्रीन कलर सेल मैंने एग सेल ली है ठीक है और सेल में आपको पता होता है सेल में क्या होता है सेल में साइटोप्लाज्म होता है सेल में साइटोप्लाज्म होता है इसमें साइटोप्लाज्म होता है इस सेल में भी साइटोप्लाज्म होगा सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी होते हैं ठीक है तो अब हमने एग सेल ली और हमने क्या ली स्पर्म सेल ली हमने फर्टिलाइजेशन करना शुरू कर दिया तो जयगोड बन गया तो यहाँ से क्या बनेगा जयगोड और जयगोड के बाद क्या होते है एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है और बच्चा पैदा होता है ठीक है उसकी डेवलपमेंट होती है तो यहाँ पर हमने जयगोड बनाया अब यहाँ पर क्या होता है देखो माइटोकॉन्ड्रिय डी एन एज इनहेरेटेड मेटरनली माइटोकड्रियल डी एन एज जो होता है वो मदर से मिलता है बिकॉज द बिकॉज सॉरी इन द बिकॉज इन बिकॉज द माइटोकड्रिया इन द स्पर्म जो स्पर्म के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा साइटोप्लाजम में माइटोकॉन्ड्रिया तो ये मैंने माइटोकड्रिया बनाया ये साइटोप्लाजम है लेकिन हम क्या करते हैं मैंने ग्रीन कलर का बना लिया ये मैंने ग्रीन कलर का बना लिया आप देखो यहाँ पर मैंने क्या लिया ये ग्रीन कलर का लिया तो मतलब ये मैंने क्या लिया साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म कहाँ से लिया मैंने ये ग्रीन कलर मदर का लिया मैंने तो ये बात आपको समझ आ रही तो इसमें जो डीएनए इसमें जो डीएनए होगा इस साइटोप्लाज्म में वो कौन सा होगा आप बोलोगे सर वो डीएनए जो होगा वो मदर का वो ब, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो मदर का माइटोकॉन्ड्रिया होगा आ रही बात समझ तो ये ग्रीन कलर यहां पर मैं लेकर आया हूं और इसका जो पिंक कलर है ये मैं लेकर आया हूं ग्रीन कलर जो होती है ये साइटोप्लाज्म फ्रॉम मदर और जो ये आ, मैंने पिंक कलर का ये माइटोकॉन्ड्रिया कहां का ये मदर से माइटोकॉन्ड्रिया इसमें आ गया है मेरी बात समझ आ रही है फर्टिलाइजेशन के दौरान ये चीज़ें होती है और ये चीज जो होती है जो ब्लू कलर से मैंने यहां पर सर्कल बनाया था ये फर्टिलाइजेशन के टाइम पे ये फर्टिलाई ये इसकी बात करूं ये फर्टिलाइजेशन के टाइम पे डिस्ट्रॉय होता

ये एक्चुअली थोड़ा सा बड़ा इंटरेस्टिंग है किस तरीके से डिजीज को ठीक किया जाता है कहाँ से मदर से आता है क्यों आता है बड़ा इंटरेस्टिंग ये चीज है बट यहां पर थोड़ा सा आपको एक बेसिक इंफॉर्मेशन एक बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी आपको होनी चाहिए अब मुझे बोलो अब मुझे बोलो अगर कोई बच्चा पैदा हो गया ये हमने एक्सेल ली है ये हमने स्पर्म सेल ली है ये हमने एक्सेल ली है और यहाँ पर हमने जयकोड बनाया है और इस जयकोड के अंदर जो हमें देखने को मिलता है यहाँ पर यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए देखने को मिलेगा अब मुझे बताओ जो बच्चा पैदा होगा ठीक है वो तो बिल्कुल ठीक होगा लेकिन अगर मदर के माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ भी प्रॉब्लम हो वो किस में आ जाएगा वो बच्चे के माइटोकॉन्ड्रिया में आ जाएगा और बच्चे के माइटोकॉन्ड्रिया में आ जाएगा बच्चा क्या होगा वो डिजीज होगा वो बीमार होगा उसको कोई ना कोई इशू होगा मेरी बात समझ आ रही है तो इसीलिए हम आगे देखेंगे कि हम क्यों माइटोकॉन्ड्रियल थेरेपी जब हम आगे देखेंगे सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र हम करते हैं वहाँ पर ये चीज़ें देखते हैं कि बेबी को हम किस तरीके से ठीक करवा सकते हैं हम जो मदर का जो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है या ये जो होता है डिफेक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया उसको हम निकाल देते हैं और कोई और डोनर और कोई मदर होती है वहां से हम माइटोकॉन्ड्रिया ले लेते हैं और थ्री पेरेंट बेबी पे हम इसका काम करते हैं ये यहां पर कॉन्सेप्ट इसलिए मुझे समझाना था क्योंकि हमें थ्री पेरेंट बेबी आगे समझना पड़ेगा क्योंकि वहां पर क्या होगा फादर तो हो गया ये वाला ये तो मदर तो होगी ये वाली जयगोड तो बन गया जयगोड के बाद एम्बी एम्ब्रियो तो बन गया बेबी भी पैदा हो गया लेकिन यहाँ पर डिफेक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया अगर है बेबी भी डिफेक्टिव होगा तो हम क्या करेंगे वहाँ पर हम क्या करेंगे हम एक और यहाँ पर डोनर ले लेंगे ले ले, और इस डोनर से हम क्या करेंगे इस डोनर से हम माइटोकॉन्ड्रिया ले लेंगे ले. और माइटोकॉन्ड्रिया ये वाला माइटोकॉन्ड्रिया इसको हटा देंगे और हम क्या ले लेंगे डोनर से माइटोकॉन्ड्रिया ले लेंगे सो देट क्या हो जाएगा कि बच्चा जो है वो नॉर्मल पैदा होगा उसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं होगा इस की वजह से ठीक है तो ये बंद के तीन पेरेंट्स देखो ये फादर थी ये मदर थी ये डोनर था तो तीन थ्री पेरेंट्स बेबी हमें देखने को मिलता है तो मैंने ऑलरेडी आपको ये माइंड में डाल दिया है अब यहाँ पर देखो इमेजिन यू हैव ए ट्रेट सच एज ए पर्टिकुलर वे ऑफ मेटाबोलाइजिंग फूड ठीक है जैसे कि आपका एक ट्रेट है आप फूड को मेटाबोलाइज कर पा रहे हो ठीक है मेटाबोलाइज का मतलब जब आप खाना खाते हो आपको न्यूट्रिशन मिलते हैं फिर वो कन्वर्ट होता है किस में ब्लड में कन्वर्ट हो जाता है आप इसको आपको एनर्जी मिलता है वो मेटाबोलाइज होता है दैट यू नोट्स इन इज द सेम इन यू यूअर मदर एंड यूर ग्रैंड मदर तो आपने देखा कि वो मेटाबॉलिज्म का जो आपके अंदर जो पर्टिकुलर वे मेटाबोलाइज करने का होता है आप में आपकी मदर में या आपकी ग्रैंड मदर में सेम देखने को मिलता है ठीक है और उसके बाद ग्रैंड ग्रैंड मदर उसमें देखने को मिलता है दिस ट्रेट माइट बिलिंक टू माइटोकॉन्ड्रल डी और ये ट्रेट माइटोकॉन्ड्रियल डी में देखने क्योंकि अगर कोई ट्रेट आपके मदर में है और वो आप में भी देख देखने को मिलता है आप ये समझो कि ये मदर के माइटोकॉन्ड्रल से हमें देखने को मिलता है ठीक है और आपकी मदर से कहाँ से आया होगा आप बोलोगे सर मेरे मदर में मेरी दादी से आया होगा या नानी से आया होगा अरे बात समझ तो इस तरीके से आप ये बोल सकते mitochondrial DNA हो बिकॉज माइटोकॉन्ड्रियल डी एन एज़ पास डाउन अनचेंज फ्रॉम मदर टू चाइल्ड क्योंकि माइटोकॉन्ड्रियल डी एन ए जो तो होता है उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है कुछ भी चेंज नहीं होते वो एज़ इट इज़ जो होता है चाइल्ड में आता है फ्रॉम मदर एनी ट्रेट आर कंडीशन एसोसिएट विद इट जो भी ट्रेट या जो भी कंडीशन इसके साथ एसोसिएट होता है कैन बी ट्रेस थ्रू आउट द मैटरनल लाइन ये हम मैटरनल लाइन में हम देख सकते हैं आई होप मेरी बात आपको समझ आई होगी क्लियर हो गए ये यही यहां पर है जिसको मैंने आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाया था यहां पर यही है माइटोकॉन्ड्रल डीएनए का स्ट्रक्चर यहां पर हम देखेंगे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए सर्कुलर, जैसे मैंने ये माइटो ये सेल है यहाँ पर इस सेल के अंदर मैंने वो एक आप बोल सकते एक बोर्ड जैसे मैंने बनाई है मैंने माइटोकॉन्ड्रिया और माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए जो होता है ये मैंने डीएनए बना लिया ये सर्कुलर है एंड मच स्मॉलर देन न्यूक्लियर डीएनए और न्यूक्लियर डीएनए से स्मॉलर है मतलब क्या है मैं रेड कलर का सर्कल बनाऊंगा ये मैंने न्यूक्लियस बना लिया और न्यूक्लियस में भी मैं ब्लैक कलर का ये बना लूंगा ये इसमें डी हो गया तो मेरी बात समझ आ रही है तो क्वेश्चन आपका क्या बनेगा माइटोकॉन्ड्रिया में जो डी होता है वो छोटा होता है या बड़ा होता है अगर हम कंपेरिजन करेंगे न्यूक्लियस के डी के साथ तो ये न्यूक्लियर डीएनए हो गया आप बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए जो होता है वो छोटा होता है एस कंपेयर टू तो न्यूक्लियर डीएनए से ठीक है इट कंटेन्स 37 सेवन जीन्स माइटोकॉन्ड्रियल डी में कितने जीन्स होते हैं 37 सेवन जीन्स होते हैं जो एसेंशियल होते हैं फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो माइटोकॉन्ड्रिया इन जीन्स की वजह से फंक्शन परफॉर्म करते हैं इंक्लूडिंग 13 दैट आर इन्वॉल्व इन एनर्जी प्रोडक्शन और थर्टीन जींस ऐसे होते हैं जो माइटोकॉन्ड्रे से जीन्स में बनने में हेल्प सॉरी एनर्जी बनने में हेल्प करते हैं हो गया ये वाला क्लियर माइटोकॉन्ड्रिया रेफर टू एज पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोक को हम पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से भी जाना जाता है यहां पर मैंने बोला इसमें ऐसे जीन्स भी होते जो एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करती है बिकॉज दे जनरेट द मेजॉरिटी ऑफ सेल्स सप्लाई ऑफ एडिनोसिन ट्राइफ हॉस्पिटल क्योंकि ये जनरेट क्या करते हैं ये ए टी पीज जनरेट करते हैं जो हम एज एन एनर्जी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं सोर्स ऑफ केमिकल इनर्जी हमें मिलती है ठीक है जब रेस्परेशन होते तो हमें एनर्जी फिर मिलती है इन्हेरीटेंस बिकॉज माइटोकॉन्ड्रियाल डी एन एज इन्हेरीटेड ऑनली फ्राम मदर माइटोकॉन्ड्रिया से जो डी एन ए मिलता है वो सिर्फ और सिर्फ मदर से मिलता है इट प्रोवाइड्स ए डायरेक्ट जेनेटिक लिंक फ्रॉम मदर टू ऑफ स्प्रिंग एक जेनेटिक लिंक बनता है मदर से बच्चे की तरफ अन इफेक्टेड बाई फादर जेनेटिक कंट्रीब्यूशन फादर की उसमें कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होती क्योंकि फादर का माइट्रोकॉन्ड्रियल डी एन ए जो होता है माइट्रोकॉन्ड्रियल डी एन ए जो पहले है पहले ही डिस्ट्रॉय होता है दिस मेक्स एम टी डी माइट्रोकॉन्ड्रल डी एन ए पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर स्टडिंग एंड एवोल्यूशनरी बायोलॉजी में इसका हम इस्तेमाल करते हैं अगर आपको थ्री पेरेंट बेबी समझ में आ गया तो वेल एंड गुड अगर नहीं आया तो अभी मैं और समझा देता हूँ थ्री पेरेंट बेबी यहाँ पर देखो तीन पेरेंट्स मैंने लिया एक मैंने नंबर वन लिया एक मैंने नंबर टू लिया एंड थर्ड वन इज़ थर्ड ठीक है मदर्स एग हम ले लेते हैं ठीक है ठीक है विथ फॉल्टी माइटोकॉन्ड्रियल डी एन ए मैंने पहले बोला मदर का डी एन ए बच्चे में चला जाता है लेकिन अगर मदर में जो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो फाल्टी माइटोकॉन्ड्रिया क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया किस में आ जाता है बच्चे में आ जाता है आप देखो यहाँ पर ध्यान से देखो इस डायग्राम को अगर आप ध्यान से देख सकते हो तो आपको इजीली समझ में आएगा ये आपकी मदर ये आपका फादर हो गया मदर से क्या निकलेगा मदर से निकलेगी एग सेल ये एग सेल हो गया ठीक है और फादर से निकलेगा स्पर्म सेल जो ब्लू कलर से इसी सेल के अंदर ही माइटोकॉन्ड्रियाज हमें देखने को मिलते हैं ना तो दैट मीन्स अगर मदर में फाल्टी माइटोकॉन्ड्रिया है ये किस में आ जाएगा ये बच्चे में आ जाएगा मतलब जब जाइगोड बनता है ना ये फर्टिलाइजेशन होते है तो ये जाइगोड बनता है इसमें कौन सा माइटोकॉन्ड्रिया होगा आप बोलोगे ये ब्लैक कलर का माइटोकॉन्ड्रिया ये कौन सा माइटोकॉन्ड्रिया ये फॉल्टी माइटोकॉन्ड्रिया क्यों क्योंकि मदर का माइटोकॉन्ड्रिया फाल्टी था तो बच्चे में भी माइटोकॉन्ड्रिया फाल्टी आ गया अब होगा क्या पेरेंट्स जीन्स ट्रांसप्लानटेड इंटू डोनर पेरेंट्स के जीन्स को ट्रांसप्लांट किया जाता है डोनर के एक्ट के अंदर विथ हेल्दी माइटोकोंड्रिया डी एन ए अब हम क्या करते हैं हम एक डी एन ए ले लेते ले हैं जिसको बोलते हम हेल्दी डी एन ए वो कहाँ से हम ले लेते ले हैं वो हम तीसरे किसी डोनर से ले लेते हैं वहाँ से हम क्या लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया लेते ले हैं और माइटोकोंड्रिया कहाँ पर डाल देते हैं सेल के अंदर ठीक है तो यहाँ पर आप देखो ये क्या है ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया ये कौन सा माइटोकॉन्ड्रिया डोनर्स जीन्स को हमने रिमूव किया हुआ है ठीक है तो इस तरीके से हमने क्या बनाया होता है हम एक पेरेंट बनाते हैं एक बेबी बनाते हैं जिसको बोलते हैं थ्री पेरेंट बेबी फादर मदर और डोनर की कंट्रीब्यूशन रहती है फिर क्या होता है एक नया एम्ब्रियो बनता है द रिकॉन्स्ट्रक्टेड एम्ब्रियो देन बी इम्प्लीमेंटेड अब हमने ऐसा एम्ब्रियो बनाया है जहाँ पर हमें ए, क्या बोलते हैं उसको फाल्टी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है फिर इस एम्ब्रियो को उठाते हैं और किस में इंसर्ट करते हैं आप बोलोगे इस मदर फर्स्ट में इंसर्ट करते हैं तो इस मदर ने माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए दिया आपको ठीक है वो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए आपने डाल दिया इसमें अब यहाँ पर फाल्टी माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर था ब्लैक कलर का क्या यहाँ पर कोई ब्लैक कलर का देखने को मिलता है नहीं सर कोई भी ब्लैक कलर का माइटोकॉन्ड्रिया हमें देखने को नहीं मिलता है तो अब हम क्या कर करेंगे इसको हम इस एम्ब्रियो को उठा के डालेंगे ये जो इसके वॉम में आप बोल सकते हो ठीक है या हाँ इसके वोम में आप बोल सकते हो जिसकी वजह से क्या होता है थ्री पेरेंट बनता है बस यही यहाँ पर है जो मैंने बोला लेकिन क्वेश्चन बनता है क्वेश्चन बनता है सर ये थ्री पेरेंट बेबी जो होती है ये करते कैसे है? हम करते हैं आई इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के जरिए से ए थ्री पेरेंट बेबी रेफर्स टू ए चाइल्ड ये ऐसा बच्चा होता है ठीक है कंसीव्ड यूजिंग ए स्पेशलाइज फार्म ऑफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन <coughs> जो एक मदर कंसीव करते हैं इस बच्चे को लेकिन कैसे हमें एक आई करना पड़ता है दैट इन्वाल्व जेनेटिक मटीरियल फ्रॉम थ्री इंडिविजुअल्स हम जेनेटिक मटीरियल तीन इंडिविजुअल से लेते हैं फादर भी मदर भी और डोनर भी होता है इसमें ठीक है थ्री इंडिविजुअल्स द मदर द फादर एंड द माइटोकॉन्ड्रियल डोनर और जिसने माइटोकॉन्ड्रिया दिया होता है दिस टेक्निक इज प्राइमरली यूज्ड टू प्रिवेंट माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज़ इस टेक्निक का हम क्यों इस्तेमाल करते हैं क्योंकि मदर के पास माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो था वो फाल्ट था वो बच्चे में अगर चला जाता बच्चा भी फॉल्टी पैदा होता तो हमने क्या किया हमने उस माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए डोनर से ले लिया ठीक है और हमने क्या किया है हमने जो है बच्चा जो है डिजीज से उसको बचाया ठीक है माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज से बचाया विच आर पास डाउन फ्रॉम मदर टू चाइल्ड थ्रू माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपका बनता है व्हाई माइटोकॉन्ड्रियल व्हाई थ्री पेरेंट बेबी इज टेकिंग प्लेस क्यों हम थ्री बेरेंट बेबी को किया जाता है ठीक है और अब क्यों नीडिड है ये मैंने ऑलरेडी आपको बोला सम वमेन में कैरी म्यूटेशन इन दियर माइट्रोकॉन्ड्रल डी एन ए कुछ वोमेन्स ऐसी होती हैं जिनके डी एन ए में कुछ म्यूटेशन होते हैं फाल्टी डी एन ए जनरली जिसको बोलते हो देट का सीवियर एंड ऑफन फैटल माइटोकॉन्ड्रल डिज़ीज जिसकी वजह से सीवियर डिजीज होती है या जॉन लेवर डिजीजेज फैल जाती है दिस डिजीज इफ़ेक्ट द ठीक है प्रोडक्शन इन द सेल्स इसकी वजह से एनर्जी प्रोडक्शन सेल्स में नहीं होगा अब कॉमन सी बात आप मुझे बोलो एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है वो माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करता है लेकिन अगर फाल्ट माइटोकॉन्ड्रिया बच्चे में आ जाएगा मुझे बोलो कि वो एनर्जी प्रोड्यूस हो सकते हैं सेल्स सेल्स एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करेगी सेल्स एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो बच्चे की तो डेथ ही हो जाएगी और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है हमारे बॉडी में एनर्जी कितनी ज़्यादा ज़रूरत है बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो दैट मीनस ज़्यादा से ज़्यादा हमें माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो ठीक ठाक होना चाहिए ठीक है लीडिंग टू वेरियस हेल्थ इश्यूज़ और बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं जैसे मसल्स में वीकनेस आएगी अगर आप खाना नहीं खाओगे आपको एनर्जी नहीं मिलती आपको तो वीकनेस वैसे भी होती है न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स ब्रेन में प्रॉब्लम्स हो सकती है या ऑर्गन फेलियर हो सकता है द थ्री पेरेंट टेक्निक अलाउज़ पेरेंट्स टू हैव बायोलॉजिकल चाइल्ड ठीक है थ्री पेरेंट बेबी अलाउ करता है पेरेंट्स को कि आप बच्चा रख सकते हो विदाउट पासिंग ऑन द माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर्स विद आउट पासिंग माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजिज हाउ इट इज डन इसको कैसे किया जाता है इसमें एक ट्रीटमेंट किया जाता है जिसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी करनी पड़ती है द प्रोसेस इन्वॉल्व सिविलल स्टेप्स जिसमें विद मोस्ट कॉमन टेक्निक जो हम करते हैं ठीक है माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज को करने के लिए डिजीज़ को खत्म करने के लिए माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी या आप बोल सकते हो थ्री पेरेंट बेबी में हम ये चीज़ करते हैं ठीक है क्लियर हो गया समझ आ गया ये यही प्रोसेस है जो मैंने आपको बोला न्यूक्लियस होता है एग होता है फिर फर्टिलाइजर्ड एग होती है ठीक है फादर से क्या होता है फादर से स्पर्म लिया जाता है और यहाँ पर क्या होता है डोनर एग होती है हमारे पास ठीक है उस डोनर एग फिर किस में डाल दिया जाता है वम में डाल दिया जाता है ये सारा मैंने ऑलरेडी आपको बोला है तो कौन कौन से मेथड्स हमारे पास हैं हमारे पास जनरली दो प्राइमरी मेथड्स हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं ये प्रोसेस कर पाते हैं एक स्पेंडल ट्रांसफ़र और दूसरा प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र ठीक है तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं? जैसे कोई टॉय है उस टॉय में कोई फाल्टी बैटरी है फॉर आप टॉय चलाते हो उसमें आप बैटरी डालते हो सेल डालते हो वो फाल्टी सेल है तो आप क्या करते हो हम तो उस सेल को बाहर निकाल के नए सेल आप इंट्रोड्यूस करते हो सो दैट वो टॉय अच्छे से चलेगी बस यहां पर भी वही प्रोसेस मैंने बोला प्रोसेस में क्या हमने न्यूक्लियस लिया है ये हमारे पास सेल है सेल के अंदर क्या हमारे पास है आप ध्यान से देखोगे सेल के अंदर हमारे पास न्यूक्लियस है न्यूक्लियस विच कंटेन्स द ऑफ मदर जेनेटिक मटीरियल न्यूक्लियस में क्या होता है न्यूक्लियस में इसमें जेनेटिक मटीरियल मेजॉरिटी जो होती है मदर की होती है इस न्यूक्लियस को क्या किया जाता है द न्यूक्लियस इज रिमूव फ्राम द मदर्स एग मदर का एग जो होता है सपोज ये सेल है ये सेल ये कौन सी सेल है ये एग सेल है ये कहां से मिलती है ये मदर से मिलती है तो हम क्या करते हैं इस न्यूक्लियस को रिमूव किया जाता है अब मैंने इस न्यूक्लियस को रिमूव किया जाता है अलग से क्या बचा मेरे पास मेरे पास ये बच्ची सेल और इसका साइटोप्लाज्म बचा न्यूक्लियस तो मैंने बाहर निकाला मदर का अलग अलग मैंने किया आप ऐसे समझो ठीक है ये चीज हो गई हां सर ठीक है इज रिमूड फ्रॉम द मदर्स एग एंड ट्रांसफर टू तो ए डोनर एग उसके बाद इस न्यूक्लियस को क्या किया जाता है डोनर एग में ट्रांसफर किया जाता है दैट हैज हैड इट्स न्यूक्लियस रिमूव तो हम इसको क्या करते हैं इस न्यूक्लियस को रिमूव करते हैं मदर के एग से और ट्रांसफर किया जाता है डोनर के एग में दैट हैज़ इट्स न्यूक्लियस रिमूव जहाँ पर जिस डोनर से हमने न्यूक्लियस को रिमूव किया जाता है बट बट रिटेन्स इट्स हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया लेकिन हेल्दी माइटोकोंड्रिया को वहाँ ही रखा जाता है तो, तो दैट मीन्स ये डोनर जो होते हैं डोनर की एग है डोनर की सेल है और इस डोनर की सेल में हमने क्या किया होता है इसमें ये न्यूक्लियस था डोनर की सेल के अंदर ये वाला न्यूक्लियस था रेड वाला न्यूक्लियस था अब हमने क्या किया है इसकी सेल को ऐसे ही रखा है न्यूक्लियस को तो बाहर निकाला रेड कलर तो बाहर निकाला है लेकिन ये क्या बचेगा ये यहाँ पर डोनर का सेल अकेले बचेगा अब इसको कहाँ लेकर जाओगे इसको यहाँ पर लेकर जाओगे ये जो न्यूक्लियस जो है ना इस मदर का इस मदर का जो था न्यूक्लियस जो था ना इसका एम वन का ये न्यूक्लियस किस में डालोगे अब इस में डालोगे तो ये ब्लैक जो था ब्लैक कलर की ये डोनर की सेल थी ये डोनर की सेल थी लेकिन इसे रेड कलर बाहर निकाला मतलब न्यूक्लियस बाहर निकाला अब ये खाली हो गया न्यूक्लियस लेकिन यहाँ से जो ये ब्लू कलर का न्यूक्लियस मदर से निकाला

समझ आ रही है बात मेरे तो ये एक इंटरेस्टिंग प्रोसेस है ठीक है अब क्या होता है द रिजल्टिंग एग नाउ कंटेनिंग द मदर्स न्यूक्लियर डीएनए अब जो एग बचेगी उसमें क्या होगा उसमें मदर का न्यूक्लियर डीएनए होगा अब देखो कौन सा न्यूक्लियर डीएनए जो ब्लू कलर का है ये न्यूक्लियर डीएनए ये ओरिजिनल मदर का है ये एज इट इज रहेगा आया समझ क्योंकि इसमें तो हमें कौन सा हमें माइटोकॉन्ड्रिया वाला प्रॉब्लम है हमें तो न्यूक्लियस की तो प्रॉब्लम तो नहीं है तो यही लिखा द रिजल्टिंग एग जो हमने ये ब्लैक कलर की ये वाली एग बनाई है एग

फादर स्पर्म अब हम क्या करते हैं फादर का स्पर्म लाते हैं अब देखो मैं फादर का येलो कलर का स्पर्म लेकर आता हूँ ये फादर का स्पर्म हो गया स्पर्म सेल जिसको बोलते हैं इनको हमने क्या किया मिला दिया क्रॉस कर दिया अब यहाँ पर हमारे पास जयगोड देखने को मिलेगा ठीक है एंड द हेल्थ फर्टिलाइज फादर स्पर्म द दर्टिलाइज एग इज देन इंप्लीमेंटेड हमने क्या किया फर्टीलाइजर एग बोलो या आप जयगोड बोल सकते हो और ये इसकी मैं बात कर रहा इसकी इसको उठाते हैं हम और किस में डाल देते हैं मदर के वोम में किसकी मदर के वोम में ये ये इस मदर के वॉम में हम डाल देते हैं तो ये था पूरा स्पेंडल ट्रांसफर आप बोल सकते हो ठीक है क्लियर हो गया इसी तरीके से प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर यहाँ पर भी हम इसी तरीके से ये प्रोसेस परफॉर्म करते हैं और हम क्या करते हैं हम थ्री पेरेंट बेबी को बना देते हैं ठीक है यहाँ पर देखो बो द मदर्स एग एंड द डोनर एग हम मदर का एग ले लेते हैं और डोनर का एग ले लेते हैं ठीक है हमने ये मदर का एग ले लिया यहाँ पर देखो ये मदर की एग है ये मदर की एग है ये ध्यान से देखना मैं अलग अलग, अलग कलर से बनाऊँगा और ये डोनर का एग है ये डी एग है डोनर का एग है ठीक है हम इसको क्या करते हैं हम इसको फर्टिलाइज़ करते हैं आर फर्टिलाइज विद फादर स्पर्म ठीक है हम क्या करते हैं फादर का स्पर्म ले लेते हैं रेड कलर का मैंने यहाँ पर फादर का स्पर्म बना लिया तो ये क्या हो गया ये फादर का स्पर्म बना लिया हम उसके जरिए से हम क्या करते हैं इनको फर्टिलाइज करते हैं द प्रो न्यूक्लिए विच कंटेन जेनेटिक मेटीरियल फ्रॉम बोथ पेरेंट्स ऐसा न्यूक्लियस होता है जिसको बोलते हैं प्रो न्यूक्ले प्रो न्यूक् एक ऐसा न्यूक्लियस होता है जैसे मैंने यहाँ पर सर्कल बनाया ये मैंने बना लिया प्रो न्यूक्लियस इसमें जेनेटिक मटेरियल कहाँ से मिलता है फादर से भी मिलता है मदर से भी मिलती है ये मदर होगी और ये फादर होगी यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है इन दोनों का क्या देखने कंट्रीब्यूशन इस न्यूक्लियस में देखने को मिलता है आर रिमूड फ्रॉम बोथ जयगोड्स हम क्या करते हैं न्यूक्लियस को हम जयगोड से बाहर निकालते हैं तो दैट मीनस जो हमने अब यहाँ पर इनको फर्टिलाइजेशन की है और यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है जयगोड देखने को मिलता है हम इस न्यूक्लियस को बाहर निकाल देते हैं द प्रो न्यूक्लियर फ्राम द पेरेंट्स आर दिन ट्रांसफोर्ड इन डोनर तो यहाँ पर जो हमने प्रो न्यूक्लियर बनाया था इससे इसको बाहर निकाला जाता है और किसके अंदर डाल देते हैं डोनर के अंदर डाल देते हैं द प्रो न्यूक्लियर फ्रॉम द पेरेंट्स पेरेंट्स से हम निकालते हैं ठीक है जब फर्टिलाइजेशन होती है जयगोट जब बनता है वहाँ से रिमूव करते हैं और ट्रांसफर करते हैं डोनर के जयगोट में कहाँ पर डोनर का जयगोट ठीक है विच हैड इट्स ओन प्रो न्यूक्लियर और इसमें अपना एक प्रो न्यूक्लियर होगा रिमूव जो हमने बाहर निकाला होता है बट रिटेन इट्स हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया लेकिन हमने माइटोकॉन्ड्रिया इसका हेल्दी यहाँ पर होगा इसको हमने बाहर निकाला था यहाँ पर इसको लेकर आ गए तो इसमें डाल दिया आई होप ये आपको पूरा समझ आया होगा ये बहुत आसान है मुश्किल नहीं है बट थोड़ा सा दिमाग लगाना है यहाँ पर द रिजल्टिंग एम्ब्रियो नाउ कंटेनिंग द न्यूक्लियर डीएनए अब रिजल्टिंग एम्ब्रियो जो होगा उसमें न्यूक्लियर डीएनए होगा फ्रॉम द पेरेंट्स पेरेंट्स से और माइट्रोकॉन्ड्रिया फ्रॉम द डोनर ठीक है डीएनए होगा कहाँ से पेरेंट्स से होगा देखो ये हमारे पास सेल है मैंने पहले ही बोला आपको सेल में क्या होती है न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस कहाँ से मिलेगा न्यूक्लियस जो होगा जो एक्चुअल uh, फादर और मदर हैं वो

ठीक है मैंने आपको पहले ही बोला थ्री पेरेंट बेबी क्यों इंपॉर्टेंट है हम डिजीज़ को प्रिवेंट करते मैंने आपको पहले ही बोला है डिजीज़ को हमें रोकना पड़ता है तो ये था थ्री पेरेंट बेबी जो डिटेल्ड नोट्स हैं लेकिन मैंने आपको एक क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट के जरिए से समझाया है व्हाट डज क्रिस्पर स्टैंड फॉर क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि क्रिस्पर की फुल फॉर्म फॉर्म बताओ क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलेंड्रामिक रिपीट्स डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ केस वर्क्रिस्पर काम कैसे करता है ऑलरेडी बता चुका हूँ गाइडेड बाय आरएनए व्हाट इज जीन साइलेंसिंग जीन को साइलेंस हम करते हैं? ये क्या है आपको बोलना है कंट्रोलिंग जीन एक्सप्रेशन टू रिड्यूस प्रोटीन फॉर्मेशन क्योंकि अगर ओवर Uh, आप एक्सप्रेशन जीन्स दिखाते हैं ना तो उसको साइलेंट करना पड़ता है इसी को बोलते हैं कंट्रोलिंग जीन एक्सप्रेशन कैसे टू रिड्यूस प्रोटीन प्रोडक्शन प्रोटीन प्रोडक्शन हम नहीं होने देते साइलेंस करते हैं ना चुप करवा देते हैं वट इज ए माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए फाउंड ठीक है वायर इज माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए फाउंड माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहाँ होता है क्या न्यूक्लियस में होता है? नहीं सर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए तो न्यूक्लियस में नहीं होता क्या राइबोसोम में होता है क्या ये माइटोकॉन्ड्रिया द सेल में होता है कहां पर होता है नाम से ही पता चलेगा ना आपको आपको बोलना माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो होता है ये में होता है और यही हमें एनर्जी हमें देता है हाउ इज माइटोकॉन्ड्रियल डीएनएरिटेड माइटोकॉन्ड्रियल डीएनएरिटेड कहां से किया जाता है क्या ये फ्रॉम बोथ पेरेंट्स क्या ये फादर और मदर से नहीं सर मैंने आपको पहले ही बोला था ओनली फ्रॉम मदर बिल्कुल ये मदर से लेते ओनली फ्रॉम फादर नहीं फादर का तो डिस्ट्रॉय होता है इक्वली फ्रॉम बोथ पेरेंट्स नहीं तो आपको बोलना है मदर से ये यूपीएससी ने भी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जो मैं ऑलरेडी आपको बता रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं ठीक है वाट इज ए थ्री पेरेंट बेबी थ्री पेरेंट बेबी क्या है आपको बोलना है ये एक ऐसा बेबी है जो तीन पेरेंट्स से बना है तो तीन पेरेंट्स मैंने आपको बोला फादर मदर और डोनर हमारे पास होता है ठीक है वट क्वेश्चन बनेगा डोनर से आपको क्या मिलता है आपको बोलना डोनर से माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं वट इज द मेन पर्पज ऑफ थ्री पेरेंट बेबी टेक्नोलॉजी क्यों हम थ्री पेरेंट बेबी टेक्नोलॉजी को हम करते हैं मेन पर्पज इसका है टू प्रिवेंट जेनेटिक डिसऑर्डर्स हमें जेनेटिक डिसऑर्डर जो होते हैं पास थ्रू मेटर्नल डेने जो मदर मैटरनल का मदर हो, मतलब होता है मदर साइड और पैटर्नल का मतलब होता है फादर का साइड तो यहाँ पर मैटर्नल डीएनए यहां पर पैटर्नल भी हो सकता है तो वहां पर वो गलत हो जाएगा तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स को हम रोकते हैं जो मदर से डीएनए आता है ठीक है क्वेश्चन इज इन क्रिस्पर टू कट डीएनए कौन सा इंजाइम यूज होता है क्रिस्पर केस नाइन में आपको बोलना है केस नाइन केस नाइन एंजाइम यूज होता है ना कि डी एन लाइगेस ये आपको याद रखना है ठीक है लाइगेस क्या करता है ये जोड़ने के जोड़ने का, का काम करता है ठीक है तो ये आपको याद रखना है क्वेश्चन नंबर नाइन व्हाट इज द पोटेंशियल एप्लीकेशन ऑफ जीन साइलेंसिंग इन मेडिसिन ठीक है जीन साइलेंसिंग जो अब मेडिसिन में हम करते हैं इसका क्या एप्लीकेशन है आप बोल सकते हो ट्रीटिंग जेनेटिक डिसडर्स बाई रिड्यूसिंग एक्सप्रेशन ऑफ हार्मफुल जीन्स हम क्या कर सकते हैं हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स को हम ठीक करते हैं कैसे ठीक करते हैं क्योंकि हम एक्सप्रेशन जो होता है हार्मफुल जीन्स का उसको हम रिड्यूस करते हैं उसको स्विच ऑफ करवाते हैं जीन साइलेंस का मतलब स्विच ऑफ करवाना वाई इज माइटोकॉन्ड्रियल डी एन ए इंपॉर्टेंट फॉर ट्रेसिंग एनसेस्ट्री क्यों माइटोकॉन्ड्रियल डे एन एम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि इट इज़ इन्हेरिटेड ओनली फ्रॉ मदर क्योंकि ये हमें मदर से ही मिलता है इसलिए हम एनसेस्ट्रल हम पता कर सकते हैं मदर मदर की मदर मदर उससे मदर की मदर उससे मदर की मदर तो इस तरीके से हम इसको इस एनसेस्ट्री को फाइंड आउट कर सकते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास हैं दैट इज अबाउट द एम्ब्रियो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र और ये एम्ब्रियो न्यूक्लियर ट्रांसफर क्या है इसको एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है ठीक है इंपॉर्टेंट है ये जानेंगे हम क्यों किया जाता है ये बिल्कुल सेम है जैसे मैंने ऊपर ही आपको बोला वैसे ही है। क्यों एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र किया जाता है इससे क्या होता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या है ये हम समझेंगे और क्यों कहां कहां पर इसका इस्तेमाल होता है उसके बाद उसके ऊपर एम करेंगे उसके बाद जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट को जानना जरूरी है ये बहुत इजी टॉपिक्स हैं ये तो लिखा है ज़्यादा इसमें जो तो लिखा है कॉन्सेप्चुअल डिटेल्स तो ज़्यादा लिखी है बट मैं आपको शॉर्ट में आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा इस चीज़ को और फिर अभी क्लोनिंग हम देखेंगे क्लोनिंग का मतलब क्या होता है और सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर हम देखेंगे ये आपका फिनिश हो जाएगा मतलब तीन चार टेक्निक्स हैं जो अभी आपको समझने है और आपका ये फिनिश हो जाएगा ठीक है थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी अब इसका एक लास्ट क्लास होगा जिसकी वजह से आपका ये सारा बायोटेक फिनिश हो जाएगा ये जनरली जो है हाँ बायोटेक्नोलॉजी जो है ये पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा आपके ऊपर दो तीन क्वेश्चन अगर इसके ऊपर पूछे जाएंगे आप इजीली इसको हैंडल कर सकते हो सबसे लेंथी वाला चैप्टर यही था यूनिट इसमें चार पांच चैप्टर्स में पढ़ने पढ़ते इस यूनिट को कवर करने के लिए